11 साल पुराने मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में स्वामी असीमानंद समेत सभी पांचों आरोपी बरी। ओवैसी और कांग्रेस ने एनआईए पर सवाल उठाए। कठुआ मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की वकील और परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 27 अप्रैल को। कठुआ और उन्नाव गैंगरेप के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन। पूर्व नौकरशाहों ने इंसाफ के लिए पीएम मोदी को खुली चिट्ठी लिखी, नफरत फैलाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। सूरत में नाबालिग से रेप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, आरोपियों के सुराग जुटाने में नाकाम सूरत पुलिस। महिला हिंसा के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के भूख हड़ताल का तीसरा दिन आज, दिल्ली पुलिस पर जबरन अनशन तुड़वाने का आरोप लगाया। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने टीवी के सेट टॉप बॉक्स में चिप लगाने का प्रस्ताव ट्राई को भेजा। मंत्रालय का तर्क, टीवी दर्शकों के आंकड़े जुटाने के लिए फैसला किया। पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और भत्ता मिलता रहेगा, लोक प्रहरी संगठनी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पश्चिमी देशों को चेतावनी, कहा अगर अब सीरिया पर हमला हुआ तो वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 218 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया चामुंडेश्वरी सीट से चुनाव लड़ेंगे।